और मैं आपको चुनौती देता हूँ, केस करना है तो एक बार हम पे करके देख लीजिए, 25 लाख रुपया खर्चा कर लेंगे ना आप। किस केस में 25 लाख रुपया खर्चा हो जाता है? आपको लगता है चंद पुलिस कर्मियों को जो आप पैसे दे के और किसी को घर पे भिजवा के हरास करवाते हैं, तो आप बहुत बड़े स्टार हो गए। मैं सागर सूरज पत्रकार हूँ और ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं आपको बात करूंगा आज खेसारी लाल यादव के बारे में, जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके काफ़ी आपत्तिजनक बातें पत्रकारों के लिए कहा था। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की तरीके से खेसारी लाल यादव ने गलत किया, क्या बोला और इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या खेसारी लाल यादव को नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा कानून को अपने हाथ में लिया। उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे जानकारी मिली कि खेसारी लाल यादव ने पत्रकारों के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो केस करेंगे, और केस में वो 25 लाख रुपए तक भी खर्चा करके उनके पूरे परिवार को जेल भिजवा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव जी और आपके जो मैनेजर हैं तथाकथित विवेक, जिनको लगता है कि पूरे बिहार के लोग बहुत ही बेवकूफ़ बैठे हुए, उनको पहले ये समझना चाहिए कि पत्रकार क्या होता है और एक यूट्यूब चैनल क्या होता है। दूसरी बात कि अगर आप स्टार हैं या आपको भ्रम हो गया है कि आप स्टार हैं, या आपको लगता है कि हमारे बहुत बड़े फैन बेस हैं इसलिए मैं स्टार हूँ, तो खेसारी लाल यादव जी, मैं आपको पहले बता दूँ कि बहुत लोगों के फैन बेस हैं। बिहार में शहाबुद्दीन के भी बहुत फैन बेस थे, ओसामा बिन लादेन के भी बहुत फैन बेस हैं, और पूर्वी चंपारण के देवेंद्रनाथ दुबे के भी बहुत बड़े फैन बेस हैं। फैन बेस बहुत तरह के लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर समाज, हर कम्युनिटी आपको पसंद ही करता है। एक खास समाज, एक खास कम्युनिटी, एक खास भोजपुरिया समाज आपको पसंद जरूर करता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक भ्रम पाल लें कि आप ये देश के सबसे बड़े हैं जो कानून और संविधान से भी ऊपर हैं। आपके बारे में पंकज सिंह नाम के किसी सिंगर ने एक गाना बनाया जिसमें जो एक लड़की का संबोधन किया, वो आपकी बेटी के रूप में संबोधन किया और आपका नाम भी आया, जिसमें उस लड़की का नाम और आपका नाम मैच करता हुआ दिखाई दे दिया, और आपने लाइव में बुलाकर बजाबते उस लड़के को लाइव में पिटाई की। ये गुंडागर्दी आपके जो गुंडों ने जो किया, ये गुंडागर्दी का हक आपको कौन देता है? आप नरेंद्र मोदी से बड़े हैं क्या? कन्हैया लाल, कन्हैया सिंह जो जेएनयू के छात्र नेता है, उसके सही सही देश भर के लोग जो है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, उसको खुलेआम सोशल मीडिया पे गालियां लोग देता रहता है। तो उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कुछ किया, प्रधानमंत्री होके भी किसी को गाली देने वाले को बुलाया हो, घर में बंद किया हो, पिटाई किया हो, आप उनसे बड़े हैं क्या? संविधान में 19-19-1 जो है, 19A सेक्शन जो है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है हर आदमी को, और इसी स्पीच संविधान के वजह से, संविधान की इस धारा के वजह से, इस सेक्शन की वजह से हमारा हिंदुस्तान बड़ा है। यहाँ अधिकार है अपनी बातों को किसी के पास रखने का। जब आपको किसने अधिकार दिया था, आप बताते हैं कि किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको गालियाँ नहीं दी जाए, तो शुरुआत किसने किया था? भोजपुरी की संस्कृति को जो आप लोगों ने खराब किया है, जो आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, वो किसी ने नहीं किया है। भोजपुरी के पुरोधा तो आप ही लोग हैं। मुझे याद है नदिया के पार मैं देखा करता था बचपन में, कितनी अच्छे गाने होते थे, कितनी कहीं से कोई भगलटी नहीं होती थी, कोई गंदगी नहीं होती थी। आप लोग गंदगी को हटा दिया जाए तो भोजपुरी में कुछ है ही नहीं, और इसके पुरोधा आप लोग खुद हैं। 19A सेक्शन संविधान का जो है, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है और हम किसी को कुछ बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, आपको गालियाँ नहीं देनी चाहिए, मैं इसे सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए संविधान है, इसके लिए CRPC है, इसके लिए IPC है। आपको किसने सिखाया कि कानून अपने हाथ में ले लीजिए? और आप कहते हैं पत्रकारों को मैं जेल भेजूंगा। आपको पता है पत्रकार किसको कहते हैं, यूट्यूबर किसको कहते हैं? पहले सीखिए, पढ़िए। फैन बेस बना लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत तरह के समाज में लोग हैं, सब तरह के लोगों के फैन बेस हैं। गलत लोगों के भी फैन बेस हैं, अच्छे लोगों के भी फैन बेस हैं। इसे आप अपने आप को सुपर स्टार कहते हैं तो आप होंगे भोजपुरिया समाज के कुछ सर्टेन लोगों के। मैं भी भोजपुरिया समाज से होता, हमारे आप हीरो नहीं है, हमारे आप स्टार नहीं है। मैं आपकी फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार हूँ। मैं देखता हूँ कि आप लोग के पास वल्गैरिटी के अलावा कुछ है ही नहीं। आप लोग अपसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अगर अपने आप को भोजपुरी के पुरोधा बताते हैं तो आज भोजपुरी की जो बुरी स्थिति है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप हैं, आप जैसे लोग हैं, और आप कहते हैं कि मैं भोजपुरी को बचा रहा हूँ। लड़की की बात कहते हैं, सानिया मिर्जा भी तो किसी की बेटी थी जिस पर आप गाना गए थे। नीरू भी किसी की बेटी ही होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, बने शादी हो गई होगी तो बन गई होगी।
तो भी तो किसी के परिवार की बेटी होगी, तो आपने उस पर वीडियो बनाया, आपने उस पर गाना बनाया, तो उसकी इज्जत नहीं गई। आप काजल के नाम ले लेके जो गाना आपने बनाया था, शादी ब्याह में अगर किसी कहीं भी गाना आपका बजता है तो कोई काजल नाम की लड़की लड़की को कितना एम्बरासमेंट होता होगा, कितना उसको शर्म महसूस होती होगी, आप महसूस करते हैं? अगर उसका बाप वहाँ खड़ा है और उसकी बेटी का नाम काजल है और ऐसे वल्गैरिटी वाला गाना आपका कोई सुन रहा है तो क्या लगेगा उसको? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कानून को आप हाथ में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सुपर स्टार हूँ, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप कुछ नहीं हैं। और मैं आपको चुनौती देता हूँ, केस करना है तो एक बार हम पे करके देख लीजिए, 25 लाख रुपया खर्चा कर लेंगे ना आप। किस केस में 25 लाख रुपया खर्चा हो जाता है? आपको लगता है चंद पुलिस कर्मियों को जो आप पैसे दे के और किसी को घर पर भिजवा के हरास करवाते हैं तो आप बहुत बड़े स्टार हो गए? नाम पेटेंट करा लिए हैं, खेसारी लाल यादव, खेसरिया, ये सब नाम पेटेंट होता है, किसको बेवकूफ बनाते हैं? पेटेंट कानून आप हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या? तब तो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, ममता बनर्जी को भी अपना नाम पेटेंट कर लेना चाहिए। जो दिन भर बैठ के लोग जो हैं सारे ओपोजिशन एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर, तो फिर हमारा संविधान कुछ है ही नहीं, फ्रीडम एक्सप्रेशन बंद हो जाना चाहिए। आपसे ज़्यादा भद्दी भद्दी गालियाँ मैं मार्केट में, बाजार में, भोजपुरी की मैं देख रहा हूँ। जिस गाली पे आपको, जिस गाना पे आपको आपत्ति है पंकज सिंह की, उससे ज़्यादा भद्दी भद्दी गालियाँ आप लोगों के द्वारा दी गई मैं देख रहा हूँ। आपने तो कभी उसे विरोध नहीं किया। अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं, पुरोधा समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं भोजपुरी को बचा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो इस पर तो आपने कभी नहीं बोला। चिंटुआ के मम्मी थोड़ा प्यार कर दा, क्या क्या गाना हम लोग सुनते रहते हैं, शर्म आती है। मैं तो आसपास में शादी ब्याह में जब भोजपुरी गाना लगता है तो मैं बंद करवा देता हूँ, नहीं सुनना चाहता हूँ। कोई अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ आप लोग ही गाने को कोई सुन नहीं सकता है। और आप कहते हैं बहुत बड़ा फैन बेस है और आपका विवेक सिंह जो है लोगों को मोटिवेट कर रहा है, फैंस को मतलब उसको इंस्टिगेट कर रहा है, भड़का रहा है ताकि जाके वो जो गाना रिकॉर्ड किया था पंकज सिंह सिंगर का उसको उसके साथ कुछ करे, ऐसा आप इंस्टिगेट कर रहे थे। आप पे तो FIR होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री से कि इस तरीके के जो उन्होंने हाई हैंडनेस किया है, लॉ को अपने हाथ में लिया पंकज सिंह सिंगर को ला के घर में लाइव में मारपीट करने का, तो आप FIR होना चाहिए और आपको फिर जेल जाना चाहिए। इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को सुपर स्टार समझते हैं तो अपनी उस चीज़ को, उस ग्रेविटी को मेंटेन करने का प्रयास करिए। जैसे आपका गाना भगलड़ है, हल्का है, वैसे हल्के आप हैं, वैसे हल्के आपके ये जो आपके मैनेजर्स हैं। इस तरह के एक खास स्टैंडर्ड के लोगों को अपना फैन बना के, फैन बेस बना के आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, तो दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। सबके फैन हैं, गलत लोगों को भी फैन है इस देश में, अच्छे लोगों के भी फैन हैं, हर तरीके के लोगों के फैन हैं। शहाबुद्दीन के फैन हैं, ओसामा बिन लादेन के भी फैन हैं, यहाँ वुहान वानी के भी फैन हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर पूरे देश में है, जो आतंकवादी था, जो टेररिस्ट था, आपके फैन क्यों नहीं होंगे? आप सर्टन क्षेत्र में भोजपुरी एक भोजपुरी के गाना गाते हैं और आप संस्कृति बढ़ाते हैं, लोगों में भगलिटी बढ़ाते हैं, परोसते हैं, दूसरा क्या करते हैं? आपने क्या मैसेज दिया भोजपुरी के माध्यम से आज तक समाज को? आप लोगों ने भोजपुरी को तो इतना बर्बाद कर दिया कि संविधान के 8वीं सूची में इसका नाम जुड़ने वाला ही था, तब तक जो है आप लोग की स्थिति को देख के आज तक जो है उसको सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। इतनी अच्छी भाषा, भोजपुरी भाषा को समझना है तो भोजपुरी की पुराने फिल्मों को जाकर देख लीजिए, खेसारी लाल यादव जी और उनके फैन लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी समझना है, भोजपुरी देखना है तो जाइए नदिया का पार देखिए, गंगा माई तो है चुनरी चढ़े वो फिल्म का गाना देखिए, देखिए क्या उस गाना में मर्म है, कितना मैसेज है, कितना इन्फॉर्मेशन है, कितनी आत्मीयता है, प्रेम भी दिखाया जाता है, इतना स्वच्छ प्रेम, इतना शालीन प्रेम दिखाया जाता है, प्रेम का सही परिभाषा जो है उन फिल्मों में देखने को मिलता है। और आप लोग तो ना हिंदी फिल्म बनाते हैं ना भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, आपके गाना ना तो प्योर हिंदी होता है ना प्योर भोजपुरी होता है, और आप कहते हैं बहुत हमारे फैन हो गए हैं। दिमाग से निकाल दीजिए, फैन बहुत हैं, सबके फैन हैं, हर लोगों के फैन हैं, अपने अपने। मैं भी पत्रकारिता करता हूँ तो मेरे भी सर्टन फैन हैं जो मेरी राइटिंग पसंद करते हैं। चलिए मैं अब देखता हूँ कि अब आप लोग खुद डिसाइड करिए कि कहाँ सही किए हैं, कहाँ गलत किए हैं। बस मेरी बात इतनी ही है, धन्यवाद।